नॉट कमिंग होम खराब हो गई है, इसका भी दिमाग खराब हो गया जैसे आपका। और हूँ वाली मम्मा, हूँ वाली हम कुछ भी शोर मचाए मम्मी को बस नीचे वालों की याद आती है, ये नीचे वालों को शोर जा रहा हो क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी तो वो लोग भी ऊपर है ना छत पे, कैसे पता तुमने ये बोली ना छत पे है सब, पता नहीं अभी से सब छत पे क्यों चढ़ गए, जब सबको पता है 9:30 बजे से पहले कभी नहीं आता। मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस बताता है जीवन के अंदर कि कभी करवा चौथ का हो चांद आया नहीं 9:30 बजे से पहले, ये पता नहीं ठुमको तैयार होके बैठ गई। टाइम उस पे वही लिखा था। अरे गूगल तो हर चीज में गलत दिखाता है, एग्जाम में हमसे सही नहीं बता रहा था और क्या बताएगा फिर, एग्जाम में तो आंसर सही बताता है। ओहो ओहो कुछ खुलासा हुआ अभी अभी। आपका मूड ऑफ एक सेकेंड, आप बोली थी आपके पास चूड़ी नहीं है, ये दो ये भाई तो उतारने को तैयार नहीं है, जिंदगी भर पहन के रखूंगी क्या, उतरेंगी नहीं तो जुगाड़ से उतार लो, जुगाड़ तो आप बहुत करती हो। पाव भाजी में जो इंसान जुगाड़ कर सकता है वो किस चीज में जुगाड़ नहीं कर सकता है। यार ये चांद नहीं आ रहा, मेरा फोन भी ऑफ हो गया, मैं कैसे काम करूं, ये देखो बैठी है, चार्जर भी होता है दुनिया में एक चीज। अपना शक्ल दिखाओ, मेरी शक्ल में दिखाओ, मैं तो तीसरी बॉटल सुबह एक ग्लास भी पानी नीचे नहीं पीती हूँ, किसके लिए रखती हूँ ये जग, किसके लिए रखती हूँ पी लो अलेक्सा देखना, देख रहे हो मेरे को एक बार पूछा नहीं पूछा जबकि मैं पहले पैदा हुई थी, फिर भी देखो अभी देखो नाम के लिए दिखा रही है, मेरे को कभी नहीं पूछा इन्होंने जिंदगी में, पता है कभी ही नहीं पूछा, और जब से ये पैदा हुई तब तो भूल ही गई कि मैं भी बच्ची हूँ उनकी, मेरे को भी माँ बना रखा है इसकी एक अलग सी। क्या बोली, क्या करी थी तुम, ये क्या करी थी, ये क्या करी, ये क्या करी थी, करके दिखाना फिर से। आज आयुषी मैम क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई हो? आज नहीं आई, वो आई संडे को। क्यों, घर सामान तो यहीं छोड़ गई अपना सारा? हाँ, देहरादून गई है एग्जाम देने के लिए, जीआर का एग्जाम देने के लिए, उसको जीआर स्टाइफंड मिल जाएगा। स्टाइफंड स्टाइफंड होता है, स्टाइफंड जब सैलरी से पहले तो मिलता है, स्टाइफंड #स्टाइफंड। ये पकड़ लो पानी पी लो, उसको पीऊं अंदर डब्बा ले और खा लो बैठ के, और अपनी डाइटिशियन को फोटो भेज देना। क्या करने के लिए? कि मैंने आज इतनी इतनी मिठाई खाई, कल क्या करूं? उसको बोलो कि आप ब्लैकमेलर हो, आप फिर वो अगले दिन बता देगी ना बैलेंस करके क्या करना है, तो उसको बोल दो क्या करना है, वो रोज ही बता देना था कि पहले ही कट डाउन हो जाए, उसको बोलो और कितना कड़वा चीज बना के दे सकती है वो टमाटर का पीने में ना मेरा ऐसा हो गया था। बस पी लेती हूँ मैं उसको, और उसका आफ्टर टेस्ट बहुत ही गंदा। खुशी खुशी लाई थी कि मौसमी का जूस बनाया, मैंने तो टेस्ट भी नहीं करा, दो बच्चे मेरे से पल जाए ना, मैं मुझे लगा दीदी का गिनीज बुक में लिखूंगी अपना नाम जाके। अच्छा मम्मी हम बहुत सुधरे बच्चे हैं, दर्शकों को बताओ हम सुधरे हैं कि नहीं बताओ। ये लग बदतमीज, खुद पे हंस रही है, खदर की कमीज। तो देख लो लाइक नहीं करोगे तो मैं ऐसे लेटे लेटे करके व्लॉग बनाऊंगी, लाइक करने में तुम लोग व्यूज हो जाते सबके सब, इतने व्यू आते हैं, मतलब अभी के लिए मेरे लिए बहुत अच्छे व्यूज हैं, मतलब गुड व्यूज सके, बट व्हाई डोंट यू पीपल वॉच द होल वीडियो, टेल मी, यू शुड कंप्लेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर नॉट लाइकिंग द कंटेंट, बट यू नीदर वॉच द होल कंटेंट नीदर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब, वो तो तुमको पता ही नहीं है। कर देना सब्सक्राइब लाइक शेयर, समझ नहीं आता क्या, और कमेंट लिखने में कितना टाइम लगता है, पता नहीं।
और बता सोनिया ज्यादा नौटंकी की थी कल वाले ब्लॉग में या मैंने की थी? जरूर नीचे उनको पूछना। अरे नहीं उठा रहे वो, आयुषी के नंबर मिला के दे। देखो चांदा आया, चांद नजर आया। मैं सिंगिंग अच्छी लगती हूँ वैसे। आई एम टेलिंग यू, मुझे एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी, वरना ये दुनिया फीकी पड़ जाएगी मेरे बिना। जब तक अक्षय सर ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग, बट देन आई हैव टू टेक ओवर फॉर श्योर। अभी बीटेक खत्म हो जाए तो फिर थोड़ा मतलब 2-3 साल और फिर आई विल गेट टू दिस फॉर श्योर, आई प्रॉमिस। अगर इसने कह दिया अगली बार से ओवर एक्टिंग तो रोज इसका वो वाला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डाले। चांद आ गया ऐसे पूछे नहीं सकते सभी घर में इंटरव्यू आ नहीं आ गया वो तो आ जाए। नहीं इसको इसको क्या हो रहा है, चांद आ जाएगा तो इसको अलग रोटी मिल जाएगी खाने के लिए। हाँ बड़ी बोली पर आवाज नहीं 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 जाना तो बोलो मत, तुम्हारे पोल खोल दूंगी ना मैं दुनिया के सामने, तुम्हारे कुछ बचेगा नहीं। आपकी जो पोल खोल दूंगी ना खोल दो, मैंने तो सारी खुद ही खोल दी अपनी पोल, मैंने कोई रहने ही नहीं दी। हाँ बड़े हैं इधर, कैसे सोच विचार कर रही है पता नहीं कौन सी चीज का। देखो गौर से देखिए इस चेहरे को, देखो गौर से देखिए इस चेहरे को, इसी चेहरे ने मेरे बचपन पर मुझ पर जुल्म कराया, इतना जुल्म बस हो गया। देखो मेरा एच भी खूब है, आप देखना खूब है ना, खूब है ठीक है। एक चुकंदर और एक गाजर का जूस पीना शुरू कर, मैं पूरा ऐसे मेरे को काट काट के ना चुकंदर इधर से गाजर ऐसे खाऊंगी, कुछ है ही नहीं। चलो वी कैन नॉट मेक एवरीथिंग, अब क्या क्या करूँ आपके दर्शकों, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना है कहीं नहीं है। इसे आप आगे मत दिए नहीं कर सकती, ठीक है तो करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ये चांद नहीं आएगा जब तक मेरा दिमाग नहीं ठीक होगा, क्योंकि व्लॉग कम्प्लीट नहीं होगा ये ना। ये बदतमीज बार बार देख के, ये बदतमीज खद्दर की कमीज बार बार व्लॉग देख के बोलती ये इंटरेस्टिंग नहीं था, और फिर व्लॉग में ऐसा हंसी होती है पूरे टाइम व्लॉग देखते समय। इसको क्या चक्कर आ सकता है, अंदर इतना तो है सब कुछ, चक्कर आ गया। तेरे बच्चों के अंदर इतने विटामिन प्रोटीन भरे हुए हैं कि इनको अगर 10 दिन भी खाना नहीं देगी ना तो भी इनके वो आराम से वर्क करते रहेंगे। हाँ वो तो मैं चेक करा मेरे हो जाता है। जब हमें कानपुर में दीदियों ने टाइम दिया था ना, कानपुर में हम लोग ऐसे घूमते रहते थे, मुझे एक भी सेकंड नहीं याद कानपुर का, सिवाय उसके जब रात को बेड पे सोते थे तो गुलाब शाह के बस बिच जाती थी, और फिर मैं उसको सोने नहीं देती जब तक वो कपड़े नहीं बदलती थी। बिना कपड़े चेंज करे कैसे थे, इतने मिट्टी में लोटपोट कर कर आते थे, बिना कपड़े बदलते सो जाते थे। कानपुर में हम IIT कानपुर गए थे, IIT कानपुर के हर ग्राउंड की मिट्टी हमारे कपड़ों में लग गई थी, हर जगह प्रैक्टिस, कुत्ते बिल्ली के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चित्रा दीदी कुत्ते के सामने बैठ के अपना डायलॉग बता रही है, क्योंकि हम लोग इतने पागल हो गए थे मम्मी सच्ची जाके कि वो आराम से कुत्ता आराम से बैठ के सुन रहा था, उसको बैठ के सुना रही थी डायलॉग, और वो गधा कुत्ता ऐसे सुन भी रहा ऐसे ऐसे करके। ओ भगवान कितना समझदार डॉक्टर है कि इंग्लिश भी सीख जाएगा और स्पीच भी सीख जाऊंगा। वही दोस्तों मैंने जो जिंदगी में करा है ना फर्स्ट ईयर, आप कर नहीं सकते, कर सकते हो तो लिख के दिखाओ कमेंट सेक्शन, क्योंकि लिखना तो आता ही नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किसे कराता ही नहीं, बहुत ज्यादा हो गया ना मोनोटोनस नॉट नाइस। तुम लिखती क्या? और मेरी एक दीदी है जो फेक अकाउंट से काफी कुछ लिख रही है, पता चल गया मेरे को। सेकंड ईयर का आधा चला गया बेटा, ऐसे थर्ड ईयर पे चला जाएगा, जो आप बोलो वो सच, दिखाओ तुम अपनी मेहनत दिखाना।
दोनों हाथों की दिखा। ये बहुत घटिया मेहंदी लगाई, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। ये तो भी उस इंसान ने इतना खुशी खुशी लगा रही थी, वो ऐसे लग रहा था यार क्यों लगा रहा हूँ मैं साथ में इसका। मैंने बोला था यहाँ से शुरू करना, यहाँ से पता नहीं क्या डिजाइन बनाया इतना इंसान। मैं भी बना सकती थी ये डिजाइन। दोस्तों ना हाथ दिखाओ ना एक साथ, नीचे लाओ। तुम लोग को हाथ नहीं दिखाना आता, कभी मूवी नहीं देखी? पकड़ो पकड़ो। अरे देखो ऐसे दिखाते। अरे कैमरे पे हाथ रख दिया यार मेरे भाई। देखो कैमरे में के सामने कैसे करते हैं, इन लोगों को दिखाना क्या। पहले हाथ को ऐसे उठ कीजिए। कभी आप बोलती हो मुझे लड़की मत बोला करो। मैं लड़की हूँ, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ गर्ल। ओके मुझे नहीं मना लॉक का। थैंक यू। तो फाइनली चांद आ गया। चलो हेलो मम्मी। खराब हो गई है, इसका भी दिमाग खराब हो गया जैसे आपका। हूँ बोली मम्मा हूँ बोली। देखो चांदा अरे दोबारा आ गए चीजें खाई में। सब आ गए क्या? ओहो यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं। हैप्पी करवा चौथ। आंटी जी नमस्ते। आंटी ठीक है? थैंक यू आंटी। कहाँ ठीक है आंटी जी? दिख रहा है? ओ बाप रे दिखा आप लोगों को साइन से। इसमें तो नहीं दिख रहा, फोन में दिख रहा। अच्छा दिख, उनको वीडियो कॉल कर ले। हाँ कर दो ना। ये देखिए चांद दिखेगा नहीं, ये बात नहीं, हाथी देखेंगे। मम्मी ने आज बनाया है लेट्स फोकस मीठे चावल जो मैं आधे खा चुकी हूँ। ये पुआ है शायद, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, मालपुआ, हरी चटनी, मिक्स वेज, पनीर एंड अनंद एंड पूरी। एंड हियर इज प्रेजेंटिंग मम्मी। हेलो मम्मा। बिल्कुल एनर्जी डिप हो चुकी है मम्मा की एंड मम्मा इज एंजॉयिंग हर मील टू द फुलेस्ट। यो गाइस like, share and subscribe Srishti Rising Live. Thank you.